الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي My dear sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसा कि आप सभी के इल्म में आ चुके हैं कि आज के हमारे सेमिनार का टॉपिक है फितना निफाक. अभी अभी आपने हमारे तक्वा इस्लामिक स्कूल की बच्ची से आपने जाना एतेकादी मुनाफिक के बारे में कि मुनाफिक किसे कहते हैं, किस तरह ये दौरे नबवी में वजूद में आए और इनका मकसद क्या था कि मुसलमानों के बीच में रहकर मुसलमानों जैसा भेस बनाकर उनको धोखा देना इनका मकसद था. मेरी गुफ्तगु मबनी होगी इंशाअल्लाह ताला अमली मुनाफिक के मुतालिक. सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मुनाफिक किसी अलग ग्रुप ऑफ पीपल का नाम नहीं है बल्कि ये मुसलमानों में ही पाए जाते हैं. जी हाँ, मुनाफिक मुसलमानों में ही पाए जाते हैं. अमली मुनाफिक वो होता है कि एक शख्स इस्लाम में दाखिल तो होता है लेकिन उसका ईमान कमज़ोर होता है, उसका ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो उसके अंदर अमली कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं. अमली मुनाफिक वो होता है कि एक शख्स यानी अमली मुनाफिक उसे कहते हैं जो लाशौरी मुनाफिक होता है, और एतेकादी मुनाफिक उसे कहते हैं जो एक शख्स जानबूझकर उस काम को करता है, जैसा कि अभी आपने फ़ातिमा शाहिद से जाना. तो अमल का मुनाफिक यानी कि अमले मुनाफिक वो है कि एक शख्स इस्लाम में दाखिल तो होता है लेकिन एक शख्स इस्लाम में दाखिल होता है या फिर अपने आबाई दीन की वजह से वो मुसलमान है, कलमा गो है, लेकिन उसकी बदआमालियों और ईमान की कमज़ोरियों की वजह से उसका ईमान जो है वो धीरे 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 घटता चला जाता है. और जब उसका ईमान धीरे धीरे घटता चला जाता है तो निफाक उसके दिल में जगह बना लेता है. तो इसलिए ऐसे शख्स को लाशाऊरी मुनाफिक या फिर अमली मुनाफिक भी कह सकते हैं. आज हम सब कहने को मुसलमान तो हैं लेकिन हमारा ईमान हमारा अमल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए. जबकि सहाबा निफाक से इस कदर डरते थे कि जब अल्लाह सुभानु ताला ने वही के ज़रिए से मुनाफिकीन के बारे में आयत नाजिल फरमा दी कि फला 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 शख्स मुनाफिक है, और इस बात का ज़िक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु से किया, किसी भी सहाबी से इसके बारे में ज़िक्र नहीं किया कि किस कौन शख्स मुनाफिक है. जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को पता चला कि मुनाफिकीन के बारे में आयत नाज़िल हुई है तो वो हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ए हुज़ैफ़ा, मुझे मुनाफिकीन का नाम बता दो जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे बताया है. तो हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जिस बात का जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे नहीं किया उस बात का जिक्र मैं कैसे कर सकता हूँ. तो उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सिर्फ इतना कहा कि अच्छा ठीक है, सिर्फ इतना बता दो कहीं उस मुनाफिकीन की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है. सोचिए ज़रा सहाबा का ईमान कि वह वही नाजिल होती है मुनाफिकीन के मुतालिक कि फला फला शख्स मुनाफिक है, और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को इतनी फिक्र हो जाती कि कहीं उन मुनाफिकीन की लिस्ट में मेरा तो नाम नहीं है. और आज हम सब कितने आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं ना, बग़ैर किसी गौर व फ़िक्र के. एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से गुज़र रहे थे, रास्ते में उनको हंजला रज़ी अल्लाहु अन्हु मिलते हैं और हंजला रज़ी अल्लाहु अन्हु ये कहते हुए जा रहे थे कि मैं तो मुनाफिक हो गया. अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जैसे ही सुना तो कहा कि ए हंजला, ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुनाफिक हो गया. तो हंजला रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता हूँ और आपसे बातचीत करता हूँ तो मेरा ईमान बढ़ जाता है, जैसे ही मैं अपने अहलो अयाल की तरफ जाता हूँ, तिजारत के लिए जाता हूँ, तो मेरा ईमान वैसा नहीं रहता. तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए हंजला, जिस बात का डर तुम्हें है वही डर मुझे भी है.
चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसके बारे में सवाल करते हैं। दोनों ही शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी मजलिस में होते हैं तो हमारा ईमान बढ़ जाता है, और जैसे ही अपनी तिजारत के लिए अहल अयाल की तरफ जाते तो हमारा ईमान वैसा नहीं रहता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा ईमान दीनी महफिल में यानी मेरी महफिल में रहने की वजह से बढ़ जाता है और यहाँ से जाने के बाद भी वैसा ही रहे, तो ऐसे में तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करें। कहने का मतलब क्या था कि इंसान का जो ईमान है यानी इंसानी फितरत होती है कि उसका ईमान घटता बढ़ता रहता है, कभी डाउन होता है तो कभी हाई होता है। जैसे अभी आप सब इस दीनी महफिल में बैठे हैं तो इस वक्त आपका ईमान थोड़ा हाई होगा, जैसे ही यहाँ से उठकर आप सब जाएंगे अपने घरों की तरफ तो ईमान थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये निफाक की अलामत है। तो सहाबा छोटी छोटी चीज़ों में एकदम डर जाया करते थे, कहीं ये निफाक की अलामत तो नहीं, मेरा ईमान थोड़ा सा डाउन हो गया, कहीं ये निफाक की अलामत तो नहीं। सोचिए ज़रा कि बड़े बड़े सहाबा जिनको अल्लाह सुबहानु ताला ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, अशरा मुबशरा में से थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अनु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अनु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा, वो निफाक की अलामत से इस कदर डरते थे, तो हम और आप कैसे मुतमईन रह सकते हैं, कैसे मुतमईन रह सकते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि निफाक और उसकी अलामात से जो डरता है वो मोमिन है, निफाक और उसकी अलामात से जो डरता है वो मोमिन है। और जो शख्स ये समझता है या ये समझती है कि मैं तो मुनाफिक नहीं हो सकती, मेरे अंदर तो निफाक की बीमारी हो ही नहीं सकती, और पुरसकून से ज़िंदगी गुजारता है बड़े आराम के साथ, वो ही शख्स मुनाफिक है जो अपनी ज़िंदगी को लग्जूरियस में गुजारता है, बड़े इत्मीनान के साथ जीता है। तो ऐसे शख्स के बारे में ही कहा गया कि वो ही शख्स मुनाफिक है। मुनाफिक चूँकि हर दौर में रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, सहाबा के ज़माने में भी, आज भी हैं और क़ियामत तक रहेंगे। इससे पहले कि हम निफाक के सिम्टम्स के बारे में जानें, सबसे पहले हम सब ये जान लें, सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, जितनी भी अलामात का ज़िक्र मैं आपसे करूँगी, हर शख्स सिर्फ अपने आप को चेक करेगा कि उसके अंदर कहीं निफाक की अलामत तो नहीं है। किसी भी शख्स के जहन में ये बात नहीं आएगी कि फला शख्स तो ये काम करता है या ये करता है तो वो तो मुनाफिक हो गया या उसके अंदर निफाक की अलामत है। नहीं, हर शख्स को अपना जायज़ा लेना है, अपने आप को चेक करना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई भी शख्स किसी को ना तो काफिर और ना ही मुनाफिक का टाइटल देगा, लकब देगा। हर शख्स को अपना अमाल चेक करना है। तो आइए अब हम सब जानते हैं कि निफाक के क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसकी अलामात क्या है। ठीक है, तो निफाक की सबसे पहली अलामात यानी उसका जो सबसे पहला सिम्टम है वो है झूठ। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 10 में, वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून, और उनके झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। किसके लिए फरमाया? काफिर के लिए, मुशरिक के लिए, मुनाफिकीन के लिए कहा गया कि झूठ बोलता है मुनाफिक, क्या करते हैं? झूठ बोलता है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और वजाहत चाहिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइए हम हदीस का मुताला करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम सही बुखारी दोनों में मेंशन है, मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान बाब नंबर 24 हदीस नंबर 34 में, हदीस नंबर 33 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। पहला, बोले तो झूठ बोले, दूसरा, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, तीसरा, अमानत रखी जाए तो खयानत करे। तो हम में से कौन शख्स ऐसा है जो पूरे दिन पूरे हफ्ते महीने झूठ नहीं बोलता? है कोई ऐसा जो पूरे दिन गुजर जाता है, हफ्ता गुजर जाता है, महीने भर गुजर जाते हैं, हम में से कोई ऐसा शख्स है जो झूठ नहीं बोलता? आज मुसलमानों का हाल ये है कि उनकी सुबह से शाम ऐसी नहीं गुजरती कि वो झूठ बोले बगैर रह सकते हों। वर्क प्लेस पर, बिजनेस में तो सबसे ज़्यादा मर्द हजरात झूठ बोलते हैं, फ्रेंड से, पड़ोसियों से, सबके साथ झूठ बोलते हैं।
हम ख़वातीन अपने आप को बहुत सेफ़ ना समझें कि हम तो बहुत पाकबाज हैं, हम तो झूठ नहीं बोलते। फैमिली मैटर्स में पड़ोसियों के साथ, शौहर से, बच्चों के साथ तो बेइंतहा झूठ बोलती हैं। बच्चा अगर छोटा है तो उसको बहलाने फुसलाने में झूठ बोलते हैं। बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसको तरह तरह की फला फला चीज़ें नाम लेते हैं, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। इस तरह से बच्चों को डरा धमका कर माएँ खाना खिलाती हैं। माँ अगर कहीं जा रही है तो बच्चा पूछता है, मम्मा कहाँ जा रही हो? तो मम्मा कहती है कि बेटा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जबकि वो शॉपिंग के लिए जा रही थी। तो इस तरह क्या कि हमने बच्चों के सामने हम झूठ बोलते हैं कि अगर हमने सच बोला तो बच्चा भी ज़िद करने लगेगा, नहीं मम्मा मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो इस कदर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर सादिक निकलेगा। इतना ही नहीं, लोगों को हंसाने के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं। भाई बड़ा कॉमन है कि अगर कोई उदास बैठा है तो अपने आप को बड़ा फ़ख्र समझते हैं, किसी के अंदर बहुत टैलेंट है। अभी मैं देखो दो मिनट में उस चुटकियों में उसको कैसे हंसाती हूँ, कैसे हंसाती हूँ मैं शख्स को। यानी गुनाह को लोग गुनाह ही नहीं समझ रहे कि झूठ बोलना भी कबीरा गुनाह है। हाँ, आज चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग फेसबुक, स्टेटस, इंस्टाग्राम, हर जगह व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे जोक भेजते हैं जिसमें झूठ भी शामिल होता है। मकसद क्या होता है इसका, कि लोग पढ़ें और बड़े मज़े से हंसें उसको। होता भी है कि लोग फालतू के जोक पढ़ते हैं जिसमें झूठ भी शामिल होता है। हाँ, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 4990। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत हो, उस शख्स के लिए हलाकत हो, उस शख्स के लिए हलाकत हो। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने पूछा, अल्लाह किसके लिए? फरमाया, जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। तो कितना कॉमन है ना, लोग हंसी मजाक में भी झूठ बोलते हैं कि भाई अगर किसी को अगर हंसा दिया जाए तो क्या बात है, किसी का कुछ चला जाएगा क्या? अगर कोई शख्स खुश हो जाता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस्लाम में, अब आप ये ना मत समझिए कि इस्लाम में हंसी मजाक करना भी मना है, बिल्कुल नहीं मना है। इस्लाम ने हर चीज़ को जायज़ तरीके से करने के लिए कहा है, लेकिन उसमें झूठ शामिल नहीं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक नहीं किया? लेकिन उसमें कोई झूठ शामिल नहीं होता था। एक बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल, आप मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। तो वो बूढ़ी औरत नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। तो जैसे ही जाने लगती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में तो हर शख्स जवान जाएगा, यानी जो बूढ़ा होकर मरेगा तो अल्लाह ताला उसको भी जवान करके जन्नत में दाखिल करेगा। क्या इसमें कोई झूठ था? एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, आप मुझे एक ऊँट दे दीजिए, और अगर आपके पास ना हो तो आप किसी से लेकर मुझे दे दीजिए, आप ज़रिया बन जाइए। तो अल्लाह के रसूल उस शख्स ने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो ऊँटनी का बच्चा दूंगा। तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल ऊँटनी का बच्चा ज़रूरत मतलब अभी की है, उसको पालना पोसना बड़ा करना बहुत टाइम लगेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ऊँट ऊँटनी का बच्चा ही होता है, मतलब कि बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए वो माँ बाप के लिए बच्चा ही रहेगा ना। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया, ये मजाक भी था और इसमें किसी भी तरह का कोई झूठ शामिल नहीं था। तो हंसी मजाक करना इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन जायज़ की हद में होना चाहिए। कोई भी शख्स अगर झूठ बोलने की आदत है, हंसी मजाक में भी झूठ बोलते हैं, तो समझ लीजिए ये निफाक की अलामत है। निफाक उसके दिल में जगह बना लिया निफाक ने। निफाक की दूसरी अलामत ये है कि मुनाफिक क्या करता है, वादा खिलाफी करता है। वादा खिलाफी यानी किसी से हमने मिलने का टाइम दिया कि हम फला टाइम पर 2 बजे आपसे मिलना चाहते हैं, अब फिर सोचते हैं कि भाई इतनी शिद्दत की गर्मी है, अब कौन जाए, चलो नहीं जाते हैं, फिर कभी जाएंगे मिल लेंगे। इवन इन्फॉर्म करना भी हम गवारा नहीं समझते हैं कि सामने वाले को जिससे हम मिलना चाहते हैं उसको इन्फॉर्म भी तो कर दें, हम बैठ जाते हैं। ये क्या है, वादा खिलाफी है। हमने सामने वाले को
प्रॉमिस किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, टाइम भी दे दिया, लेकिन हम गर्मी की शिद्दत की वजह से मिलने से क्या करते हैं, प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। ये वादा खिलाफ़ी है ये, क्योंकि आज के टाइम पर गुनाह को इतना ज़्यादा लोग कर रहे हैं, गुनाह को कोई गुनाह ही नहीं समझता है कि वादा खिलाफ़ी करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है। तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुनाफिक जो है वो अमानत में खयानत करता है। अमानत में खयानत, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने किसी भी शख्स को कोई माल दिया उसको सेफली रखने के लिए, अब आपने क्या किया, उसके बगैर परमिशन के बगैर आपने उस माल को यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर आपने सोचा कि भाई मेरे पास जब होगा तो हम उसमें इंक्लूड कर देंगे, है ना। तो ये अमानत में खयानत है, ये अमानत में खयानत है कि आपने सामने वाले से परमिशन नहीं ली जिसकी वो अमानत थी, आपने बगैर परमिशन उस चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये अमानत में खयानत है। किसी ने आपको कोई राज की बात बताई कि बहन इस बात को सीक्रेट रखना, अपने तक ही रखना, लेकिन हम खवात अपने तक ही रखना। अब अगर कोई इतनी तमहीद के साथ कोई बात ये कहता है कि इस बात का जिक्र आप किसी से मत करिएगा, तो अब वो बात आपके लिए क्या हो गई, एक अमानत बन चुकी है, अब आप उससे उसका जिक्र किसी से भी नहीं कर सकते है। लेकिन हम खवातीन का हाजमा इतना हल्का चुकी होता है कि हमारे पेट में गुड़गुड़ होता है ना, जब तक हम दूसरे से जिक्र नहीं करें तो हमारा पेट हल्का ही नहीं होता। फला कोई भी शख्स आया, अरे बहन तुमने सुना ऐसी से ऐसी बात है, अच्छा लेकिन तुम इसका जिक्र किसी से मत करना, अपने तक ही रखना। अब दूसरे से ने तीसरे से जिक्र किया, उन्होंने भी इसको कहा कि बहन देखो इस बात का जिक्र आप किसी से मत करिएगा। इस तरह से पूरे में वो बात फैल जाती है। हाँ तो ये क्या है, हमने सामने वाले की बात का पास नहीं रखा, हमने उसकी बात में खयानत कर दी है। अल्लाह ताला ने जितनी भी हमें नियामतों से नवाजा है, अगर हमने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो हम अल्लाह की हर एक नेमत में खयानत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आँखें, ये कान, ये ज़ुबान, ये हाथ, ये पैर, ये क्या है, ये सब कुछ अल्लाह सुभान ताला की अमानत है। अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें हुक्म दिया है उसको पूरा करने के लिए, अगर हमने उस ऑर्डर में उसको उस हुक्म की फरमाबरदारी नहीं की तो अल्लाह सुभान व तआला की हर एक नेमत पर हमने क्या किया है, खयानत किया है। जो भी शख्स ऐसा करता है, किसी की बात का पास नहीं रखता, किसी की चीज़ को बगैर परमिशन यूज़ करना शुरू कर देता है, तो ये अमानत में खयानत है। ये निफाक की अलामत है, ये निफाक की अलामत है कि निफाक आपके दिल में जगह बना लिया है निफाक ने। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की चार निशानियाँ हैं। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान बाब नंबर 24 हदीस नंबर 34 में फरमाया कि मुनाफिक जब भी किसी से लड़ाई झगड़ा करता है तो गाली गलौज करता है, अब्यूज़ करता है। लड़ाई झगड़ा करना ये इंसान की इज्जत और वक़ार के ख़िलाफ़ है, इंसान की शख्सियत को नुमाया करता है। किसके दरमियान में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बच्चों में, फैमिली मैटर्स में, पड़ोसियों के साथ, वर्क प्लेस पे, हर जगह इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन एक मुनाफिक जो होता है जब वो किसी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू करता है तो वो आपे से बाहर हो जाता है, उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है, उस वक्त वो फिर किसी की भी नहीं सुनता, उसके मुँह में उस वक्त जो भी आता है वो सामने वाले की इज्जत को उतार कर रख देता है। इसके बरक्स जो मोमिन होता है वो हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करता कि उसकी ज़ुबान से जिस ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र कर रहा है उसकी ज़ुबान गंदी हो, वो हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करता, क्योंकि इंसान जो भी कहता है वो उसके अंदर की अक्कासी करती है। कोई भी शख्स अपना दिल चीर कर नहीं दिखा सकता है, खोल कर नहीं दिखा सकता कि उसके दिल में है क्या, लेकिन हम जो कुछ भी बोलते हैं ना वो दरअसल हमारे दिल का आईना होता है। तो मुनाफिक हमेशा जब भी वो बात लड़ाई झगड़ा करता है तो अब्यूज़ करता है, गाली गलौज करता है। तो ये निफाक की चार निशानियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर ये चारों निशानियाँ एक साथ अगर मौजूद होंगी वो पक्का मुनाफिक है, निरा मुनाफिक है।
और किसी के अंदर अगर इन चारों में से कोई भी निशानी हो सकती है तो समझ लीजिए उसके दिल में निफाक ने जगह बना ली है, निफाक ने उसके दिल में जगह बना ली है। निफाक की एक और अलामत ये भी होती है कि मुनाफिक क्या करता है, वो बात बात पर झूठी कस्बे खाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मुनाफिकून सूरह नंबर 63 आयत नंबर 2 में, इत्तखज़ु अयमानहुम जुन्ना, इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है। तो मुनाफिक चूँकि अपने हर कॉल हर फेल में झूठा होता है तो वो क्या करता है कि जब उसके साथ सराउंडिंग में पड़ोसियों के साथ ये घर फैमिली मैटर्स में कोई भी अगर ऊंच नीच आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो क्या करता है कि वो अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए बार बार झूठी कस्में खाता है कि अल्लाह की कसम मैंने ये तो नहीं कहा, अल्लाह की कसम मैंने ये तो कहा ही नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है। तो ये मुनाफिक की अलामत होती है कि वो बात बात पर अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए वो झूठी कस्में खाता है, जबकि मोमिन जो होता है वो अपने हर कॉल हर फेल में सच्चा होता है, उसे झूठ के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। सामने वाला इंसान जानता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है, क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है। तो किसी भी शख्स के अंदर ये अलामत है कि वो बात बात पर झूठी कस्बें खाता है अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, तो ये निफाक की अलामत है, ये निफाक की अलामत है। निफाक की एक और अलामत ये भी है कि मुनाफिक क्या करता है कि इबादात में सुस्ती करता है, काहिली करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा की आयत नंबर 142 में कि जब मुनाफिकों से कहा जाता है, ये मुनाफिक जो है जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती और काहिली के साथ खड़े होते हैं। यानी मुनाफिक जो होता है जब भी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो सुस्ती और काहिली के साथ पढ़ता है नमाज, वो दिल से नहीं पढ़ता। तो उस टाइम के जो मुनाफिकीन थे दौरे नबवी में, वो भले ही सुस्ती और काहिली के साथ नमाज पढ़ते थे। अच्छा ये बताइए, ठीक है, अच्छा ये बताइए कि नमाज कौन पढ़ता है, मुसलमान या गैर मुसलमान, कौन पढ़ता है? ऑफ़ कोर्स मुसलमान पढ़ते हैं ना। तो सोचिए उस टाइम के जो मुनाफिकीन थे वो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते थे, भले ही वो सुस्ती और काहिली के साथ पढ़ते थे लेकिन फिर भी वो इस्लाम से बाहर, फिर भी वो इस्लाम से बाहर। और आज का इंसान बेनमाजी होने के बावजूद भी अपने आप को मुसलमान समझता है, कितनी अफसोस की बात है ना कि मुनाफिकीन भी नमाज़ पढ़ते थे लेकिन वो फिर भी इस्लाम से बाहर, और आज का इंसान बेनमाजी होने के बावजूद भी अपने आप को मुसलमान समझता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुल मसाजिद पेज नंबर 186, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक पर फज्र और इशा की नमाज बहुत भारी है, फज्र और इशा की नमाज बहुत भारी है। अब ज़रा हम अपनी अपनी नमाजों का जायज़ा ले लें कि हमारी नमाजों का क्या हाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्मी की शिद्दत में हम एसी की ठंडी हवा में पड़े सो रहे होते हैं और जब फज्र का वक्त होता है तो हमारी आंखें नहीं खुलती, और जब खुलती भी हैं तो हम टाइम देखते हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर और सो लेते हैं, 10 मिनट और, और जब एंड होता है एकदम फिर उठते हैं बड़ी ही काहिली के साथ, सुस्ती के साथ नमाज अदा कर लेते हैं किसी भी तरह। अल्लामा इकबाल क्या खौफ फरमाते हैं, किस तरह गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, किस तरह गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है नींद तुम्हें प्यारी है। एक इंसान अगर अल्लाह से मोहब्बत करे तो, एक इंसान अगर अल्लाह से मोहब्बत करे तो वो सो नहीं सकता। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले नींद से मोहब्बत नहीं करते। आज हमारी नमाजों का ये हाल है कि हम पूरे दिन अगर काम में बिजी होते हैं, ये काम वो काम, फैमिली बच्चे खाना बनाना शॉपिंग करना मेहमानों को अटेंड करना, अरे अभी तो ईशा की नमाज भी तो बाकी है वो भी तो पढ़ना है, और अगर हम शॉपिंग करने निकल जाते हैं तो हमारी नमाजें फौत हो जाती है, छूट जाती हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया सूरह माउन सूरह नंबर 107 आयत नंबर 4 और 5 में फरमाया, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, और उन नमाजियों के लिए अफसोस
और वैल नामी जहन्नम की जगह है, जो अपनी नमाजों से गाफिल है। किसके लिए कहा? जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अपनी नमाजों से गाफिल है, जिनकी नमाजें छूट जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी मामला ऐसा ही है? और अगर ऐसा है तो हम खैर मनाएं अपने अपने ईमान की। मुनाफिक क्या करता है? वो अल्लाह के ज़िक्र से इज्तिनाब करता है। अल्लाह का जिक्र करता भी है तो बराए नाम का करता है। फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 142 में, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और ये अल्लाह का जिक्र तो बराए नाम का करते हैं। यानी मुनाफिकीन जब सलाह पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, तो उसकी नमाज कैसी होती है? उसकी नमाज में रूह नहीं होती है, खुशू नहीं होता है, वो अल्लाह को याद नहीं करता। वो किसी तरह बस नमाज तो पढ़ लेता है। क्या पढ़ रहा है, क्या कितनी रकत पढ़ी, 3 पढ़ी, 4 रकत पढ़ी, उसको होश नहीं होता है। वो जिक्र भी करता है तो बराए नाम का अल्लाह का जिक्र करता है। और जब इंसान अल्लाह का जिक्र नहीं करता, सिर्फ मुख्तलिफ बिल्कुल थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करता है, तो उस शख्स के दिल में बेचैनी और बेसुकूनी होती है। जबकि मोमिन का मामला तो इसके बिल्कुल बरक्स होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह रौद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28 में फरमाया, अल्लज़ीना आमनु व ततमइन्नु क़ुलूबुहुम अला बिज़िक्रिल्लाह व ततमइन्नुल क़ुलूब। और ईमान वाले तो वो हैं जब उनसे कहा, और ईमान वाले तो वो हैं कि जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। और याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। तो एक मोमिन की नमाज़ कैसी होती है? जब वो पढ़ता है तो उसकी नमाज में खुशू और खुजू होता है। वो ऐसा पढ़ता है कि गोया अल्लाह उसे देख रहा है या वो अल्लाह को देख रहा है। हर वक्त सिर्फ नमाज में ही वो अल्लाह को याद नहीं रखता, इवन हर काम में, हर मामलात में, चलते फिरते कोई भी काम कर रहा है तो उसकी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 152 में, फज़कुरून यज़कुरकुम, बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। तो जब मोमिन बंदा अल्लाह को याद रखता है तो अल्लाह सुबहान तआला भी उस बंदे को याद रखता है। तो अगर किसी भी शख्स की नमाज ऐसी है कि वो सुस्ती और काहिली के साथ पढ़ता है और खुशू और खुजू नहीं होता है, बराए नाम अल्लाह का जिक्र करता है, तो समझ लीजिए उस शख्स के अंदर निफाक ने डेरा जमा लिया है। निफाक की एक और अलामत ये भी है कि मुनाफिक क्या करता है? मुनाफिक धोखेबाज होता है। क्या होता है? धोखेबाज होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब जंग अहद पेश आई, और उसमें बिल्कुल जंग के आन मौके पर कि जंग बस शुरू होने वाली है, अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या किया कि 300 से ज़्यादा मुनाफिकीन की टोली को लेकर वहाँ से रवाना हो गया, और ये कहा कि मैं ये जंग नहीं करना चाहता, और मुझे नहीं पता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग क्यों करना चाहते हैं। बिल्कुल जंग के आन मौके पर वो मुनाफिकों की एक टोली को लेकर वहाँ से रवाना हो गया और मुसलमानों को धोखा दे दिया। आज के मुसलमानों का क्या हाल है? ये तो उस टाइम के एतिकादी मुनाफिक का ये हाल था। आज के मुसलमानों का ये हाल है कि दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत उनके दिलों में इस कदर पेवस्त हो चुकी है कि वो किसी भी शख्स को किसी भी फील्ड में वो धोखा दे सकते हैं, किसी भी तरह से। अक्सर आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, अपने पड़ोसियों के से या फिर अपने रिलेटिव से कि फला शख्स ने कोई ज़मीन ख़रीदी और उस ज़मीन का को ख़रीदा तो, लेकिन उसी ज़मीन को एक से दूसरे शख्स को के दरमियान बेच दिया गया, दूसरे से तीसरे में, है ना? सुना है ना आप लोगों ने कि एक ही ज़मीन को, ये क्या, ये फ्रॉड, धोखेबाजी, कि आपने कोई ज़मीन ख़रीदी और उसके कई ख़रीदार होते हैं, 2-3 लोग ख़रीदार होते हैं। तो ये क्या है? आज का मुसलमान इस तरह से फ्रॉड करता है, धोखा देता है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में पेवस्त हो चुकी है। उनको तो सिर्फ मालूमता चाहिए, उनको आखरत नहीं चाहिए, वो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। तो कोई भी शख्स अगर ऐसा करता है तो उसके अंदर निफाक की अलामत है। निफाक की एक और अलामत ये भी होती है कि मुनाफिक क्या करता है? रियाकारी करता है। रियाकारी मतलब शो ऑफ, दिखावा। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 142 में ही, वईदा कामु इलस्सलाति कामु कुसाला युराउन अन्नास,
और जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी ही सुस्ती और काहिली के साथ लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो मुनाफिकीन जो दौरे नबवी में मुनाफिकीन थे, ये बिल्कुल आखिरी वाली सफ में नमाज के लिए आके खड़े होते, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ाते तो ये मुनाफिकीन जो थे बिल्कुल आखिरी वाली सफ में आके खड़े होते, क्योंकि उनका मकसद क्या था, वो अल्लाह के लिए तो नमाज़ नहीं पढ़ते थे, वो मुसलमानों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ते थे, क्योंकि अगर वो नमाज़ ना पढ़े तो उनका निफाक खुलकर जाहिर हो जाता। तो इस तरह ये मुनाफिकीन इबादात में क्या करते थे, दिखावा करते थे। अब ज़रा हम अपनी नमाज़ों का जायज़ा लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी नमाज़ जब पढ़ते हैं तो किसी की आने की आहट हमने सुनी तो हम 2 सेकंड के सजदे, 3 सेकंड के सजदे जो हैं और ज़्यादा कर लेते हैं, ताकि सामने वाले पर भाई इम्प्रेशन पड़े कि फ़लाँ शख्स कितनी अच्छी नमाज़ पढ़ता है। हम ऐसे तो नफिल रोज़े नहीं रखते, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है तो भाई हम नफिल रोज़े भी रखना शुरू कर देते हैं, ताकि लोग सोचे भाई कितनी परहेजगार है, कितनी मुत्तकी है, फ़र्ज तो फ़र्ज नफिल रोज़े भी रखती है। सदका खैरात अगर हम किसी को 10-20 रुपए दे रहे होते हैं अकेले में, लेकिन अगर हम किसी शख्स के साथ हैं, कोई हमारे साथ है, तो 50 से 100 रुपये हम बढ़ा कर देते हैं। भाई सामने वाले पर इम्प्रेशन बनना चाहिए कि फ़लाँ शख्स कितना खर्च करती है। हाँ, तो ये क्या है, रियाकारी, दिखावा, शो ऑफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुसनद अहमद की, जिसने दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका खैरात किया उसने शिर्क किया। सिर्फ इबादात तक मामला हमारा नहीं है कि हम सिर्फ इबादात में ही रियाकारी करते हैं, आज दुनिया के मामलात में भी हम शो ऑफ इतना करते हैं, इतना दिखावा करते हैं कि सामने वाले का घर इतना अच्छा है हम उससे अच्छा बनाएंगे, हम उससे शानदार डेकोरेट करेंगे अपने घर को, हम उससे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत फर्नीचर अपने डाइनिंग रूम में लगवाएंगे, ताकि भाई जो भी आए वो देखता रह जाए कि भाई कितना शानदार घर था। शादी में तो इस तरह फिजूल खर्ची के साथ साथ शो ऑफ इस कदर होता है कि जो सबसे महंगा गेस्ट हाउस होगा हम तो उसको बुक करेंगे, दुल्हन मेकअप के लिए तो 50,000 खर्च करेंगे, खाने में 20 से 25 तरह की डिशेस होनी चाहिए, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म भी इतनी आला तरीक़े से हम लोग करते हैं कि उसमें छोटा मोटा एक वलीमा भी हो जाए। इस तरह से शो ऑफ मकसद क्या होता है कि भाई जो भी गेस्ट आए तो याद रखे फला की बेटी इतनी शानदार तरीके से हुई थी। रियाकारी, तो हर जगह हर मामलात में हम रियाकारी और शो ऑफ करते हैं, और किसी भी शख्स के अंदर ये बीमारी है, दिखावा है, तो समझ लीजिए निफाक ने उसके दिल में जगह बना ली है। निफाक की एक और अलामत ये भी होती है कि मुनाफिक जो होता है वो अल्लाह और रसूल के फ़ैसले पर राज़ी नहीं होता, अल्लाह और रसूल के फ़ैसले पर वो राज़ी नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 48 में, वइज़ा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम इज़ा फरीक़ुम मिनहुम मुरिदून। और ए नबी, जब इसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ये तुम्हारे दरमियान में फैसला कर दें, तो आप देखेंगे कि ये उनकी एक जमात वहाँ से उठ कर मुँह फेर कर चली जाती है। तो ये मुनाफिकीन की अलामत होती है कि जब भी उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह और रसूल तुम्हारे दरमियान में फ़ैसला कर दे, तो ये मुनाफिकीन जो होते हैं वहाँ से उठकर चले जाते हैं। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे दरमियान मौजूद है ना। बड़े अफसोस की बात है कि हम हर चीज़ में अपनी सोच, अपनी मनमानी, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। कोई भी मामला हो, हर चीज़ में हम अपनी मर्ज़ी अपने फ़ैसले लगाते हैं, चाहे वो विरासत का मामला हो या शादी ब्याह का मामला हो। विरासत में हम कहेंगे तो हम भाई जहेज देंगे, हमारे ख़ानदान में तो बेटों का हिस्सा होता है, बेटियों को तो सिर्फ जहेज दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में कि बेटियों का हिस्सा बेटों का आधा है, हम कहते हैं हम जहेज देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन निकाह मिन सुन्नति, निकाह सादगी से करो, सुन्नत के तरीक़े से करो। हम तो भाई बारात भी ले जाएंगे, जहेज भी लेंगे, नाच गाने भी होंगे, हर चीज़ अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम करते हैं। जबकि मोमिन का तर्ज़ अमल क्या होता है,
अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 51 में कि ईमान वाले तो वो हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे दरमियान में फ़ैसला कर दे तो ये कहते हैं समिअना व अताअना, हमने सुना और मान लिया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो ये मोमिन की सिफ़त होती है कि हर चीज़ में अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते हैं, वो हर चीज़ में अपनी टांग नहीं अड़ाते, अपनी हर चीज़ में अपने मामलात को अल्लाह और उसके रसूल को पीछे नहीं कर देते कि हम तो भाई अपने फ़ैसले चलाएंगे। मोमिन हमेशा अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजारता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि हर मामला में हमारा ये तर्ज अमल होता है कि हम तो भाई जो कुछ भी करेंगे, चाहे वो हकीके का मामला हो, सुन्नत का तरीक़ा निकल गया, 7 से 15 दिन निकल गए, अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है ना, जब हो जाएगा तो बड़े शानदार तरीके से हकीका करेंगे। हाँ, मतलब हर चीज़ में अपनी मर्ज़ी, हर चीज़ में अपने फ़ैसले लगाते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जान लीजिए ये निफाक की अलामत है। निफाक की एक और अलामत ये भी है कि अल्लाह के मुनाफिक जो होता है वो हमेशा बुराई की तरफ बुलाता है और अच्छाई से रोकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 67 में अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुकुम मिन बाद यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तमाम मुनाफिक मर्द और औरत एक ही हैं, ये हमेशा बुराई का हुक्म देते हैं और अच्छाई से रोकते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तमाम मुनाफिक मर्द औरत एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये हमेशा बुराई का हुक्म देंगे और अच्छाई से रोकते हैं। ये तो उस टाइम के एतिकादी मुनाफिक के बारे में कहा गया। आज का इस्लाम का दावा करने वाला इंसान यानी मुसलमान भी ये सिफत अपने अंदर रखता है। अक्सर वालिदैन अपने पेरेंट्स अक्सर वालिदैन यानी पेरेंट्स जो हैं वो अपनी औलाद के लिए दीन में रुकावट बनते हैं कि कहीं उनका बेटा या बेटी दीन सीख ले और किसी जमात किसी ऑर्गेनाइजेशन से ना जुड़ जाए और वो दुनिया की दौड़ से पीछे ना रह जाए। बच्चा अगर इस्लामिक स्कूल में पढ़ रहा है तो पेरेंट्स को सिर्फ ये फिक्र लगी रहती है कहीं मेरा बच्चा अदर बच्चों की कंपैरिजन में पीछे ना रह जाए, सिर्फ और सिर्फ ये फिक्र लगी रहती है। कोई शख्स अगर दीनी महफिल में बैठा हुआ है, किताबुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सुन रहा है, समझ रहा है, हिदायत पाने की कोशिश करता है, फला शख्स ने सुना भाई कहाँ जाती हो, फला जगह जाती हैं, अच्छा वहाँ क्यों जाती हो, पागल हो गई क्या, अरे वहाँ मत जाया करो 24 हो जाओगे। जिस तरह ये मुनाफिकीन दौरे नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पास लोगों को जाने से रोकते थे कि देखो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना वरना वो तुम्हें दीन से बेदीन कर देगा, और आज के मुसलमानों का ये हाल है कि कहीं भी दीनी महफिल होती है तो वहाँ पर जाने से रोकते हैं। तो ये क्या है, ये निफाक की अलामत है। जबकि मोमिन का तर्ज अमल क्या होता है, मोमिन हमेशा अच्छाई की तरफ बुलाता है और बुराई से रोकता है। फरमाया अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 71 में अल मुमिनून वल मुमिनात बअज़ुम औलिया मिन बाद यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तमाम मोमिन मर्द और मोमिन औरत एक दूसरे के मददगार हैं, ये हमेशा अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो ये मोमिन की सिफत होती है कि हमेशा लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। उसको कभी भी कोई भी मौका मिला तो फौरन ही लोगों की इस्लाह करना शुरू कर देता है, उसको अल्लाह रसूल की यानी दीन की दावत देना शुरू कर देता है। कोई शख्स अगर अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहा है तो उसके लिए दुआ करता है एक मोमिन कि अल्लाह उसके माल को कबूल कर ले और उसके माल में और ज़्यादा बरकत दे। जबकि मुनाफिक का तर्ज़ अमल क्या होता है, वो कहता है कि अरे पागल हो गई है क्या, ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा खर्च कर रही हूँ, फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर रखा है कि नहीं कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो पैसा ही नहीं रहेगा। तो ये मुनाफिक तो खुद तो खर्च करता नहीं है, और जब कोई शख्स खर्च करता है तो उसको उस रास्ते पर चलने से रोकता है। तो अगर हम सब के अंदर कमोबेश कुछ ना कुछ अगर खामियां हैं, अगर हम ये करते हैं कि अल्लाह की राह से अगर कोई भी शख्स किसी को रोकता है तो समझ लीजिए उसके अंदर निफाक की अलामत है। निफाक की एक और अलामत ये भी है कि मुनाफिक जो होता है वो अल्लाह और की राह में अल्लाह की राह में खर्च करने से कंजूसी करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह तौबा सूरह नंबर 9
आयत नंबर 54 में, वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून, और ये तो बुरे दिल से ही खर्च करते हैं। यानी मुनाफिकीन जो होते हैं वो अल्लाह की राह में दिल से खर्च नहीं करता, वो हमेशा बुरे दिल से खर्च करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे पड़ो सराउंडिंग में, आसपास घर के बाहर कोई गरीब मिस्कीन फ़कीर या अल्लाह की राह में जब खर्च करने की बारी आती है तो हम पहले सोचते हैं दे कि ना दे, फिर देने का इरादा किया, अपने क्लच को खोलते हैं, पैसे काउंट करते हैं, फला फला काम के लिए निकालते हैं, फिर थोड़ा सा हकीर सी जो रकम बचती है उसको अल्लाह की राह में सदका खैरात कर देते हैं। तो ये मुनाफिक का तर्ज़ अमल होता है, वो दिल की खुशी से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता है। मोमिन हमेशा अल्लाह की राह में दिल की खुशी से खर्च करता है। सहाबा का तर्ज अमल क्या होता था, वो एक दूसरे अल्लाह की राह में सदका खैरात करने में कंपटीशन होता था कि कौन सबसे ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च कर सकता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में तो बाकायदा कंपटीशन होता था, और जिन सहाबा के पास इतना माल नहीं होता कि वो अल्लाह की राह में खर्च कर पाएँ, अगर उनके पास मुट्ठी भर खजूरें होती तो वही वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करते। उस पर भी ये मुनाफिकीन जो थे, ये मुनाफिकीन उस पर भी ये मजाक उड़ाया करते थे कि अल्लाह को इनके इतने हकीर से माल की क्या ज़रूरत। अल्लाह ताला ने इसका जवाब फरमाया सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 75, 75 और 76 में फरमाया, फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही बख़िलू बिही वतवल्लौ वहुम मुरिदून, और जब अल्लाह सुबहान तआला उन्हें अपने फ़ज़ल से नवाज़ देता है तो ये उसमें से बखीली और कंजूसी करके मुँह फेर कर वहाँ से चले जाते हैं। अक्सर होता है ना कि हम इंसान किसी पैसे वाले शख्स को अगर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई अल्लाह ने उनको इतना दिया है तो वो खर्च कर रहे हैं, अल्लाह अगर हमको भी देता तो हम भी अल्लाह की राह में सदका खैरात करते। हाँ, तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब यही फरमाया है कि जब हम उन्हें अपनी नेमत से, अपने फ़ज़ल से नवाज देते हैं तो ये इसमें बखीली करने लगते हैं, कंजूसी करने लगते हैं, अपनी दुनिया को चमकाने, अपनी आराइशों, अपनी ज़ेब ज़ीनत को पूरा करने में खूब खूब खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ बारी आती है अल्लाह की राह में खर्च करने की तो उनके दिल तंग हो जाते हैं, ये कंजूसी करने लगते हैं। तो एक मोमिन हमेशा जब भी माल खर्च करता है वो अल्लाह की खुशी से, अल्लाह की खुशी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च करता है, दिल की खुशी से खर्च करता है। तो ये निफाक की कुछ अलामत थी जिसको मैंने आपके सामने रखा है। ऐसे तो बहुत सारी निफाक की अलामत है, चूँकि वक्त इतना ज़्यादा नहीं है कि बाकी अलामत का मैं ज़िक्र करूँ आपके सामने, तो जितनी भी सिम्टम्स, जितने भी अलामत का जिक्र हमने आपके सामने किया है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आ गया है तो कोशिश ये करना है कि हम सब अपने अंदर से निफाक की जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी अलामत हैं, एक एक करके उन तमाम बीमारियों को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करनी है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो अल्लाह सुबहान तआला की बहुत ही सख्त वाइद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, इसी आयत के ज़रिए मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम भी करूँगी, अल्लाह ताला ने फ़रमाया है सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 145 में, इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल असफली मिनन्नार, मुनाफिक तो जहन्नम के सबसे नीचे वाले दर्जे में रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ।